नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित और आज मैं बात करने जा रहा हूं लेखक भीष्म साहनी द्वारा लिखी गई कहानी जिसका नाम है खून का रिश्ता। इस कहानी में लेखक ने एक गरीब असहाय रिश्तेदार के प्रति निर्दय व्यवहार किए जाने का उल्लेख किया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू से इस कहानी को समझने का प्रयास करते हैं। वीर जी पढ़ा लिखा और नौकरी पेशा नौजवान था। उसकी सगाई प्रभा नाम के एक पढ़ी लिखी लड़की से होने वाली थी। वीर जी एक आदर्शवादी व्यक्ति था। वह धन दौलत का लोभी नहीं था, वह सिद्धांतों का पक्का था। वह अपने पिता से कहता था कि वे केवल 125 रुपये का ही शगुन लेकर रिश्ता पक्का करा के आए। वीरजी के पिताजी दहेज के रूप में बड़ी रकम लेना चाहते थे, लेकिन अंत में बेटे की बात से मजबूर होकर 125 रुपये का शगुन लेने के लिए तैयार हो गए। उनके घर में मंगलसेन नाम का एक दूर का रिश्तेदार रहता था। वह एक रिटायर्ड फौजी थे। वे घर का कामकाज करते हुए अपना गुजारा करते थे। वीरजी की सगाई के कार्यक्रम में उसके पिताजी अपने साथ मंगलसेन को अपने होने वाले समधी के घर ले जाना चाहते थे। लड़की वालों ने इन दोनों का खूब आदर सत्कार किया। मंगलसेन लड़की के बारे में कई सारे सवाल किए, जबकि वीरजी के पिताजी चुप थे। लड़की वालों ने 3 चांदी की कटोरियों में 3 चांदी के चम्मच और 125 रुपये का शगुन दिया। वीरजी के पिता लड़की वालों के व्यवहार से काफी खुश होकर घर लौटे। इनके घर आते ही इनके घर वाले लड़की वाले के यहाँ से लाए गए तोहफे देखने लगे। 3 चम्मच वाली चांदी की कटोरिया देखकर घर के सभी लोग खुशी से झूम उठने लगे, लेकिन 3 चम्मच की जगह 2 ही चम्मच थे। 1 चम्मच ना होने के कारण घर के सभी लोग मंगलसेन को दोषी ठहराने लगे। तभी मंगलसेन ने कहा, 3 चम्मच तो मैंने देखा था, लेकिन 2 चम्मच देखकर मुझे भी आश्चर्य हो रहा है। वीरजी के पिता ने मंगलसेन का कोट और कुर्ते की पॉकेट तलाशी लेने की आज्ञा दी, लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं मिला। इतने में प्रभा का छोटा भाई वहां आकर उन्हें चांदी का 1 चम्मच देकर चला गया। तभी घर वालों को तसल्ली हो गई, लेकिन बेचारे मंगलसेन पर आरोप लगाने वालों को उनका ध्यान तक नहीं आया। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर आप हमारा आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं और हमारे चैनल हिंदी फेवरेट टेल्स को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों, ऐसे कुछ और कहानियों के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताइए। धन्यवाद।